तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मित्रानियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल RPR Education पे। इस वीडियो में आज बात करेंगे बिहार की जॉब अपडेट 2021 के बारे में। जी हाँ, लाइब्रेरियन भर्ती संबंधित आज इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो बहाली हो रही है उससे संबंधित न्यू अपडेट्स आई हुई है। क्वालिफिकेशन में बड़ा बदलाव हुआ है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। भर्ती बहाली संबंधित जो अपडेट्स आज इंपॉर्टेंट आई हुई है वो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से आप लोग को जानने को मिलेगा। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं शुरू से और न्यूज़ नोटिस के माध्यम से चल के आप लोग को हर एक अपडेट्स की जानकारी बताते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले अपडेट्स की, जो कि लाइब्रेरियन बहाली संबंधित आई हुई है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति को इस बार होगा STET। जी हाँ, तैयारी जो है लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए इस बार STET जो है लागू किया जा रहा है। आप लोग को बताना चाहेंगे, साल 2010 से 13 के बीच लाइब्रेरियन की बहाली हुई थी, उस टाइम STET जो है नहीं रखा गया था, लेकिन अब बदलाव करके क्वालिफिकेशन में STET जो है वो रखा जा रहा है। ये महत्वपूर्ण अपडेट शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन की ओर से निकल के आ रही है, जिनमें लगभग पदों पर अभी बहाली होनी है। बहाली जो आप लोग का के लिए जो है शिक्षा विभाग की ओर से जो है संबंधित जो है निर्णय आ चुकी है और लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग यह तैयारी जो है कर रही है। तो ये अपडेट्स आप लोग का लाइब्रेरियन से जुड़ी थी। अब बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो भर्ती आई हुई है उससे संबंधित। कुछ इस प्रकार से आप लोग अपडेट्स देख पाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सामान्य चिकित्सक पदाधिकारी की जो है 2632 पदों पर जो बहाली होनी थी, इनमें 42 जो है पद घटा दिया गया है। अब 25 से 90 पदों पर यह बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से पूरा किया जा रहा है। काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, लिस्ट अभी बाकी है जारी होने के लिए। जैसे लिस्ट जारी होगी तत्पश्चात इनकी नियुक्ति बहाली दिया जाएगा। ये दूसरी बड़ी अपडेट्स जो है बहाली संबंधित थी। अब बात करेंगे तीसरी अपडेट्स की। तीसरी अपडेट जो कि आज ही का लेटेस्ट जो है हिंदुस्तान पेपर में यह दिया गया है कि सड़कों का रिकॉर्ड रखने को बहाल होंगे 2570 कर्मचारी। जी हाँ, आप लोग को बता दें इनमें लगभग जो है 1820 कंप्यूटर ऑपरेटर व 750 सहायक IT प्रबंधक बहाल किया जाएगा। और ये जो बहाली ग्रामीण कार्य विभाग में कामकाज जो ऑनलाइन होगा उसके तहत जो रिकॉर्ड होगा उन रिकॉर्ड को जो है रखने का काम करने वाले हैं। जी हाँ, तो ऑनलाइन कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से 2500 से अधिक पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर और जो है यहाँ पे मैनेजर की जो है IT मैनेजर की कुल 2570 जो है तकनीकी कर्मियों की बहाली किया जाएगा, जिसको लेकर आज पेपर के माध्यम से सूचना दी गई है। तो भर्ती बहाली नियुक्ति संबंधित तीन अलग अलग अपडेट्स आई हुई थी तीन अलग अलग विभाग की ओर से। हमने तीनों अपडेट्स की जानकारी आप लोग को यहाँ पे शॉर्टकट तरीके से बता दिए। इसी तरह रोजाना जो अपडेट्स निकल के आती है बिहार की ओर से हमने आप लोग को बताते रहते हैं। तो जानकारी किस प्रकार से लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह अपडेट्स पाने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। न्यूज़ नोटिस की कटिंग के लिए हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को विजिट कीजिएगा। सभी कुछ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर हमने दिए हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं बिहार की और एक भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।